हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, यूजफुल रहते हैं, या ये हमारे लिए डेंजरस होते हैं, मतलब ये हमारे दुश्मन हैं, राइट। तो आइए, मैं हूँ आशीष और आपके साथ मैं आज शुरू कर रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर, ठीक है, राइट। तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ये क्या चीज है और ये कहाँ मिलती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो और ऑर्गेनिज्म के बारे में। देखिए, माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटी, आप सोचते होंगे स्मॉल, मैं कहता हूँ स्मॉल से भी बहुत ज्यादा स्मॉल, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब जो हमें हमारी जो आईज हैं, नेक्ड आईज हैं, उससे ना दिखे। तो हमें देखने के लिए क्या यूज करना पड़े, हमें देखने के लिए उसके लिए एक माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें हमारी जो आंखें उनसे ना दिखें बल्कि हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, तो उनको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अब बात चलती है कि कहाँ मिलते हैं। देखिए, ये हर जगह प्रेजेंट है, हमारे सॉइल में, हमारे वाटर में, और यहाँ तक कि हमारी जो एयर है उसमें भी ये प्रेजेंट है। हर जगह हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको देख नहीं पाते हैं, राइट। तो आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये कैसे होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं या हमारे लिए बुरे होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। तो हार्मफुल कैसे हैं और यूजफुल कैसे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही भयंकर डिजीज लाते हैं। कैसी, जैसे कॉमन कोल्ड या टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोल देते हैं, या कॉलेरा, या मीजल्स, या चिकन पॉक्स, राइट। तो इस तरह की जो भयानक बीमारियां हैं ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाती हैं। अगर बात करें ये यूजफुल क्यों है, तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि जो हम कर्ड खाते हैं, राइट, कर्ड खाते हैं, या फिर हम ब्रेड खाते हैं, ठीक है, या विनेगर यूज करते हैं, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो मेडिसिन होती हैं, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, सो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाई जाती है। इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। और स्टूडेंट्स के अलावा मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एनवायरनमेंट है, देखिए एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्लांट भी होते हैं और एनिमल होते हैं। तो आपको पता है जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है या किसी वजह से खत्म हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये डेड हो गए। तो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स जब जमीन पर पड़े होते हैं तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं और एक ऐसी कंडीशन में कर देते हैं कि फुल्ली कंप्लीटली डिसॉल्व या सॉरी ये डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और उसके बाद एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। तो जो एनिमल्स इधर उधर बीमारियां फैला रहे होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खा के या डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देते हैं, जिससे ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और ये कितने तरह के होते हैं।
ठीक है, तो आइए आगे चैप्टर को चलाते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको पढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया गया है, इसको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ, सम फंगी, सम फंगी में फंगी में कई तरह की फंगी होती हैं, एंड एल्गी। तो ये सब जो मैंने नाम लिखे हुए हैं ये प्लूरल फॉर्म में है, राइट, प्लूरल है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं अगर ये सिंगुलर हुए तो इनको कैसे बोला जाता है। देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सिंगुलर होगा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर है बैक्टीरियम। वायरसेस, वायरसेस का जो सिंगुलर है वो है वायरस, राइट। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ है, राइट, तो प्रोटोजोआ का जो सिंगुलर है वो है प्रोटोजोआ, राइट, प्रोटोजोआ। और अगर बात करें फंगी की तो फंगी का जो सिंगुलर है वो है फंगस, राइट। और एल्गी की बात करें तो है एल्गा, राइट। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो आपको ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की।